हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं वहाँ पे मंदिर में सब लोग मिलकर। तो महाराज जी उनकी तैयारी कर रहे हैं रुद्राभिषेक के लिए। तो आइए मैं आपको आगे वीडियो में ले चलती। तो पंडित जी क्या पूरे मूंग और चावल और जो अपने चने की दाल होती ना उसे स्वास्तिक बनाया उन्होंने और पूरा कलश स्थापित किया यहाँ पर, जैसे नवग्रह बनाते ना हम लोग, वैसे नवग्रह बनाए इन्होंने। आपको जो भी चीज पहले नदी की पूजा चढ़ाओगे उसके बाद चढ़ाओ, सूर्य स्नान कराओ तो पहले उसको कराओ तो फिर इसको कराओ। ये नहीं, इसलिए मैं आपको स्टेज पर रोटी दिया, इसलिए मैं आपको इसमें दूध लेने दिया। क्या उसमें तो क्या आवाज़ आ रही थी, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से ये क्या जैसे पूर्ण दही दूध शहद सबसे इनको अच्छा सा गंगा जल वगैरह से नीला स्नान करा के और उसके बाद इनका शिव परिवार का पूर्ण रूप से श्रृंगार किया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण रूप से माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी और शिव जी भगवान, इन सबका श्रृंगार किया गया है नंदी महाराज का। देखिए आप लोग, मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है। अभिषेक होने के बाद क्या सब आरती के लिए खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सब लोग आरती करेंगे अच्छे से भगवान भोलेनाथ। हम सब लोग जो भी होम शांति में बैठे थे ना, उन सबको पूर्ण रूप से एक बार फिर से बिठाया गया था, पूर्ण रूप से आहुति दी गई थी सबको वहाँ पे, हवन के यहाँ पे भी आरती कराई गई थी सब लोगों से, और सबसे जो भी पंडित जी जैसे जैसे बोला सब ने किया, बहुत अच्छी से पूजा हो गई सब लोगों की। हमने वहाँ पर भोजन प्रसादी भी रखी थी, क्योंकि दो तीन साल से तो ऐसे ही कोविड की वजह से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से हुआ है सब कुछ। भगवान सात।